जाऊं? नहीं जाऊं, चल किसी दे, किसी दे पापा को। हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज। तो गाइज मैं पहुंच चुका हूं घर पे। मम्मी पापा दोनों लोग अभी नहीं हैं। कैसन पापा तबीयत? मम्मी को लग रहा था कि मैं नहीं आऊंगा, मुझे ऐसा खबर मिला है। हाँ मम्मी लज्जा। तो गाइज वेलकम बैक। मैं जा रहा हूँ गुन्ना। गुन्ना जाऊं? नहीं जाऊं, चल किसी दे, किसी दे पापा को। पापा किसी, पापा किसी, पापा किसी, पापा किसी। तो गाइज मैं, मेरा कैब आ चुका है नीचे, मैं निकल रहा हूँ। गुन्ना दे दे किसी, दे दे किसी, दे दे किसी, दे दे किसी, दे दे किसी। किसी नहीं देगा? आ जा खड़ा हो जा, जा, जा। आ जा आ जा, जा। अरे दे दे, कुछ बात है ना। देख लाइट जला दिया, सोच रहा इसके अंदर से कैसे निकाल लूँ चीजें। बाय कर लो पापा को, पापा को बाय कर लो। क्यों क्या नहीं करोगे बाय? क्या नहीं करोगे बाय? नहीं करोगे बाय गुन्ना? नहीं करोगे बाय गुन्ना? बाय कर लो, बाय कर लो, बाय कर लो, बाय कर लो। पापा को बाय कर लो, बाय कर लो पापा को, पापा को बाय कर लो। अरे रे 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 रे, अरे रे 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 रे, अरे रे रे रे। पापा को बाय कर लो। बब्बा बब्बा। पापा को बाय नहीं करोगे? गुन्नी इधर देखो, तुम तो देख ही नहीं रहे हो, फिर मैं चला जाऊंगा। गुन्नी तुम तो देख ही नहीं रहे हो, फिर मैं चला जाऊंगा। क्या क्या ही, तुम तो देख नहीं रहे हो, मैं तो चला जाऊंगा। गुन्ना देखो 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 देखो, आ जाओ देखते हमारी गाड़ी आई है। आ जाओ, अच्छा देखते हमारी गाड़ी आई है कि नहीं आई है। आ गई हमारी कैब, चलो हम चलते हैं। चलो बाय कर लो पापा को, बाय कर लो, जाओ जाओ पापा, बाय कर लो, जाओ जाओ। किसी दोगे गुन्ना? किसी किसी किसी, बाय बाय बाय। तो मैं घर से निकल चुका था कैब लेकर के, जो मेरी ट्रेन थी वो 10:35 की थी और सुबह 6 बजे मुझे प्रयागराज पहुंचा था। काफ़ी भारी मन से, उदास मन से मैं निकला हुआ था। गुन्नू को भी मिस कर रहा था और गांव जा कर के पापा से मिलना था। दोनों तरफ की चीज़ें थी जो मुझे, मेरी आंखों को नम कर रही थी। ये चीज़ तो हर एक बेटा और बाप समझ ही सकते हैं। स्टेशन और मेरी जो ट्रेन है हम सफ़र, वो आ गई है प्लेटफॉर्म पे और मेरा जो बोगी है, कोच है, वो B1 है और 66 मेरा ट्रेन नंबर था, सीट नंबर था। तो हमारी ट्रेन आ गई है और अब हम चलते हैं, उसे बैठते हैं। थोड़ा सा मन उदास है, इमोशनल है, ठीक है। बस ओपन करते ही तो मैं आ चुका हूँ ट्रेन में और अपनी सीट पे बैठ गया हूँ, बैठ के लेट ही गया हूँ। गुन्ना को बहुत मिस कर रहा हूँ। हाय द नेक्स्ट मॉर्निंग। ट्रेन में लेटते ही कब मैं सो गया मुझे खुद नहीं पता चला, क्योंकि मैं सुबह 6:30 बजे और 6:22 मिनट में पहुँच चुका था प्रयागराज जंक्शन।
मतलब उधर सोया और इधर मैं पहुंच गया। तो धीरे धीरे कदम से फटाफट मैं जा रहा हूँ और मुझे जाना है एफ सी बी लाइन बस स्टैंड, जहाँ से मुझे ट्रेन बस मिलेगा अपने घर यानी इंडिया के लिए। तो स्टेशन से मुझे सिविल लाइन बस स्टैंड जाना पड़ता है, जहाँ से मुझे बनारस वाली बस मिलती है जो कि मुझे उतार देती है। भैया की दुकान पे और तो गाइज मैं पहुंच चुका हूं घर पे। मम्मी पापा दोनों लोग अभी नहीं है। 6 बजे उतार, 6:30 बजे ट्रेन उतार दी आराम से। थोड़ा सा बैठा हुआ अभी देखो यहाँ पे सब लोग घर में ही हैं, अभी सब लोग बिस्तर के अंदर हैं। वो कितने दूर से मैं आ गया, 8:30 बजे 8:25 पे घर के अंदर आ गया। और सानिया एग्जाम चल रहा है। कैसन पापा तबीयत, सब्जी ले गया है हमको थोड़ा घूम टहल ले। अच्छा यहाँ पे ठंड है, और दिल्ली से हम जब कल निकले थे तो ठंड बिल्कुल नहीं था, वहाँ पे धूप था खूब। और जैसे जैकेट नहीं लेके चलते, लेकिन फिर भी हम जैकेट ले लिया। और जब सुबह उतरे हैं स्टेशन पे बहुत ख़तरनाक ठंड लग रहा था, हवा चल रही थी। यहाँ पे आ गया है घर पे हरी हरा धनिया मटर 5 रुपया धनिया 5 रुपया के बहुत सस्ता भैया 40 रुपया किलो। मटर थोड़ा महंगा बाबा, मटर 60 रुपया मटर आ गई थी। और लहसुन चला तो 200 रुपये किलो है, 20 रुपये सौ। कई बजे उतारे गाड़ी? 6:30 बजे उतार दिए। हम सोवत रहे हैं जब ट्रेन पहुंची था, हम सफ़र रहा ना। चलो मम्मी को लग रहा था कि मैं नहीं आऊंगा, मुझे ऐसा खबर मिला है। हाँ मम्मी लज्जल लो जल। जय भोलेनाथ की श्री शिवाय। तो आप सब लोग भी डेली एक लोटा जल जल जरूर चढ़ाया करें। हमारे घर में भी देखिए सब लोग, मम्मी भी जाती हैं एक लोटा जल चढ़ाने। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। मटरिया छोला था सब हम के कारण बहुत लेट कर दू, बहुत लेट कर दू। ठंडी बात है बहुत गलन रहा से छिले यार, कुछ छीटत है जाए। हम जल्दी से मसाला पीस ले, गरम मसाला रही। हां तो मम्मी काट रही है सब्जी, और आज बनेगा आलू बैंगन पालक और क्या मम्मी, सोया सोया का सब्जी, जो कि बहुत ही सोना सोना लगता है खाने में। ये गांव का शुद्ध खेत का सब्जी है सब, पैदा होता है। अब 5 रुपये में पापा इतना धनिया लेके आए, 5 रुपये में किलो बाद। और वो दिल्ली मिलेगा 25-30 रुपये का मिलेगा अभी एक पाव धनिया, ऐसा कुछ होगा। एक टाइम तो धनिया एकदम महंगा, धनिया नहीं मिलता है सब खेत में, बगल में पैदा होता है। जालित गोलुआ जेकर उदय का धूप नहीं निकला बा। अरे इका ठंडी देखा था ऐसे आगी भरत रहे धटकत रहे दिन भर हम लोग सारा दिन सारा। तो सुबह का नाश्ता चूरा मटर पोहा। तो गाइस मुझे आ रही थोड़ी सी नींद, मेरी आंखें भी लाल हो रखी हैं। तो आते ही जैसे
भाभी का भैया का सबका आशीर्वाद लिया। उस टाइम मैं वीडियो नहीं शूट कर पाया था। उसके बाद फिर मम्मी पापा सबसे मुलाकात हो गई है। फिर अभी बैठ के आराम से बात बात करेंगे। पापा भी अभी कोई आ रखा है, उससे बातचीत हो रही है उनकी। और मम्मी भी काम कर रही हैं। जब सब फ्री हो जाएंगे फिर बैठ कर दोपहर में लंच में बातें करेंगे। मैं तो तब थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, सो लेता हूँ, क्योंकि बज गए सुबह के 10। तो मैं बोलता हूँ गुड नाइट, आप लोग बोलो गुड मॉर्निंग, ठीक है। मिस यू, गुड नो, बाय बाय। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर चलो सब्सक्राइब करो प्यार। गुड नाइट, मिस यू, गुड ना, मिस यू।